जय श्री राम। साथियों, जानते हैं चैत्र महीने में माता रानी की कैसे पूजा करें, क्या मुहूर्त है, किस दिन किसकी पूजा की जाएगी, इन सभी बातों पे आज चर्चा करते हैं विस्तार से। तो मुहूर्त आदि के बारे में मैं बता देता हूँ। दोस्तों, चैत्र का महीना चल रहा है तो चैत्र मास में हिंदू पंचांग के अनुसार प्रथम महीना होता है। चैत्र मास इस बार 9 तारीख को मंगलवार को माता रानी विराजमान हो रही हैं। उनका सुबह का जो मुहूर्त है, वैसे तो सुबह 6 बजे से ही दोपहर 10:15 तक आप माता रानी का कलश सहित पूजन शुरू कर सकते हैं। पूजन शुरू करें, सबसे पहले क्या करना है, हमको एक लोटा लेना है। लोटा इस तरह कोई भी लोटा ले लें। माता रानी की पूजा कैसे होगी, मुहूर्त तो बता ही दिया आपको हमने, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, या उसके बाद दिन भर चलता, लेट हो जाओ तो, लेकिन सुबह 6 से जैसे लोटा ले लें, इसमें पानी भर लें मंगलवार के दिन में 9 तारीख। पानी भरने के बाद इसमें लौंग वगैरह डाल लें, दुर्वा डाल लें और चंदन आदि डाल लें, एक सुपारी डाल लें, खुला रुपया डाल लें, सिक्का दूध उसमें डाल लें। इसके बाद इसको पूर्ण पात्र बना दें, ऐसे ढक्कन लगा दें, आम के पत्ते लगा दें और नारियल अभी रखा नहीं है, एक उसमें चावल वगैरह रख के ऊपर पूर्ण पात्र बन जाएगा, चावल आदि रख के ऊपर नारियल इस पर रख लें। अब आम के पत्ते बगलते हुए 8 पत्ते आम के लगा लें, इस पर वो लगा लें सिंदूर वगैरह, तो वो सातिया बना दें, इसमें स्वास्तिक स्थापित कर दें। स्थापित करने से पहले नीचे गेहूँ या चावल आदि रख दें। एक पटा ले लें, पटे पे 2 सुपारी रख लें, ज़्यादा नमक ग्रहण ना बनाए, कम से कम 2 सुपारी रख लें। माता रानी की मूर्ति स्थापित कर दें और पूजन करते समय गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करें। मैं इस स्थिति में बैठना हूँ कि वीडियो बना रहा हूँ, तो इस समय देव मंत्रों का उच्चारण करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए जब पूजा करें, जब भी गणेश जी के मंत्रों का आह्वान करें, भोले बाबा का आह्वान करें, सीताराम चंद्र जी के मंत्रों का आह्वान करें, दुर्गा मैया के मंत्रों का आह्वान करें, लक्ष्मी महाकाली की जय करें, स्थान देवता की पूजा करें, क्षेत्र देवता की पूजा करें, ग्राम देवता की पूजा करें, पितृदेवता की पूजा करें, सभी देवताओं की पूजा करते हुए माता रानी की समस्त नवरूपों की पूजा होगी, तो प्रथम दिन जो पूजा होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 9 तारीख को ही माता रानी की पूजा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सुबह ही माता रानी सबसे पहली पूजा होती है शैलपुत्री। वैसे तो माता सभी रूप हैं, सभी माता हैं, शैलपुत्री की पूजा होनी, लेकिन आरती एक ही चलेगी 9 दिन। जो भी आपकी आरती अम्बे जय गौरी है, जो भी दुर्गा मैया की जो भी आरती आपके यहाँ पड़ती हो, उन आरतियों का सुबह से ही शुभारंभ करें। पान के पत्तों में भोग लगाएं, पान के पत्ते ले आएँ, पान के पत्तों पर रखकर माता को लौंग आदि चढ़ाई जाती, जो भी पुष्प मिठाई यहाँ पर बन जाए, जैसी पूजा बन जाए। कई लोग जवारे भी घर में बो देती हैं, मिट्टी पीस कर रखती हैं, वो मिट्टी ले कर पीस के रखती है, पानी छमक के बढ़िया काली मिट्टी, और गेहूँ ज्वार आदि डाल देती हैं, ज्वार आदि, तो उससे वो पेड़ निकल आती हैं, जिनको जवारे कहती हैं। तो प्रथम दिन आपको शैलपुत्री जी की पूजा करना है, दोनों टाइम आरती करना है। उसके बाद में 10 तारीख, 9 तारीख की पूजा के बाद में 10 तारीख को आपको माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करना है। ब्रह्मचारिणी जी माता की पूजा करना है, दोनों टाइम पूजा करना है, वही भोग प्रसाद ही लगाना है, भोग बदल जाए तो ठीक है, और आम क्या कहते हैं, अपने घर में आम की पतवार भी लगा सकते हैं, आम की पतवार मेन दरवाजे पर, बढ़िया माता रानी की दोनों टाइम पूजा करो। इसके बाद में 11 अप्रैल को माता चंद्रघंटा की इसी विधि से पूजा करना है, भोग प्रसादी आज चढ़ाते जाएँ, और जो भी प्रसाद बने घर में ही बनाएं, बाजार से मिठाई वगैरह ना लाएं, क्योंकि बाजार की मिठाइयों में शुद्धता नहीं रहती है। 12 अप्रैल को कुसमंडा माता जी की पूजा करना है, और आरती एक ही रखना है, एक दिन से जो पूजा चल रही है वही पूजा रखना है। उसके बाद में 13 तारीख माता स्कंद माता की 13 तारीख को पूजा करना है, इसी तरह पूजा चलती रहेगी। 14 अप्रैल को फिर से आपको माँ कात्यायनी की दोनों टाइम पूजा करना है। 15 अप्रैल को माँ कालरात्रि की, ऐसे ही 15, 16, 17 तारीख को माता सिद्धरात्रि की पूजा करना है। ऐसे ही 9 दिनों तक पूजा माता रानी की बराबर करती रहो, और लास्ट में 9 कन्याओं को ले जाके उनका भोग लगाएं, भोग प्रसादी लगाएं, किन किन मंत्रों से पूजा करें वह आप बता रहा हूँ। माता की पूजा करें तो पहले तो अपनी माता की घर में जो है ना, उन माताओं की जरूर पूजा करें। दुर्गा मैया की पूजा कर रहे हो, तुम्हारे जन्म देने वाली माता अगर दुखी है तो तुम्हारी पूजा समझ लेना, पूजा बेकार हो सकती है। जगत माता जानती है कि ये
राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है, मुझको प्रसन्न करना चाह रहा है, घर की माँ में लात मार रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी मुझको प्रसन्न करके धन सोना चांदी मांगना चाह रहा है। तो जिन लोगों के घर में माता की पूजा हो रही है, अपनी माता, अपनी दादी, बूढ़ी दादी, इनका अपमान मत कर देना भूल के। अगर अपमान कर रहे हो तो तुम्हें पूजा करने का भी अधिकार नहीं है। पहले अपनी माता पिता को सही से रखो, माता पिता को पिटाई लगाना बंद करो, माता पिता तुम्हारे ऐसे करो धर्मशाला में माता पिता ना जाएं। आज हम तो चार के यहाँ लाइन लग रही है बुजुर्ग माताओं की, ये माता कहाँ से आ रही है? वो कपूत हैं जिन्होंने माता पिता का खाया, माता पिता के घर में रह रहे हैं, माता पिता का सोना चांदी ले लेके, और माता को बुजुर्ग में बिना सहारे का जो सहारा बुढ़ापे की लाठी बनना चाहिए, वो बुढ़ापे की लाठी ना बन गए, अपने माता पिता के लिए ही दुश्मन बन गए हैं, डीमक का कार्य करते हैं। जैसे डीमक होती है जहाँ रहती है वहीं उसी को लकड़ी को खाती रहती है, ऐसे ही आजकल के बच्चे हो गए, कपूत बच्चे, सभी नहीं, पूरा देश तो कभी बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भारत देश है, जहाँ जहाँ थोड़ी सी पूर्वजनों के पाप जब उदय हो जाते हैं तो इस तरह के मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है, पशुता आ जाती है। जिन घरों में शराब आदि का सेवन होता है नवदुर्गा, उनको भी नवदुर्गों में शराब मांस मंडा इनका भी उपयोग नहीं करना है, लहसुन आदि प्याज आदि नवदुर्गा में नहीं खाएं। नवदुर्गा पूजा कर रहे पहले अपनी माता की पूजा, बहन की पूजा, भांजी की पूजा, इनको भी नमस्कार करना है, बहन भांजी सभी को नमस्कार करना है, पे जगदम्बे माता रानी महाकाली दुर्गा जी का सरस्वती जी का वंदन करना है, और सभी मंत्रों में हर रोज जिनकी भी पूजा कर रहे हैं उनमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना है, उमानाथ की पूजा करना, माता अन्नपूर्णा की पूजा करना है, तो हर रोज ही करना है, महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली दुर्गा अन्नपूर्णा मैया की हर रोज ही पूजा करना है, उसके बाद में काल भैरव जी की भी पूजा करना है, भैरवनाथ की समस्त आरतियों के बाद में भी समस्त देवताओं के वंदन करने के बाद में भैरव जी की भी पूजा हमेशा ही करी जाती है नव दुर्गा में, और दुर्गा मैया की पूजा कर रहे हो, भोले बाबा का नाम भी नहीं ले रहे हो, तो पति के बिना पत्नी कैसे प्रसन्न हो जाएगी? पत्नियों की पूजा कर रहे हो, उनके पतियों की पूजा करो, माँ जगदम्बा माँ भवानी की पूजा करो, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, भोले बाबा की पूजा कर रहे हो, पार्वती की पूजा कर रहे हो तो भोलेनाथ की पूजा करो, माता अपनी जन्म देने वाली पूजा कर रहे हो, अपने बाप की भी पूजा करो, जिसकी बाप से नहीं पड़ती उसको भी बाप से हाथ जोड़ने वजन करने, बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा, इसीलिए हमेशा अपने बाप को भी मनाए, बाप के दुश्मन ना बने, सपूत ना बन सकें तो कोई दिक्कत नहीं, कपूत ना बने, मिडल में रहे, मिडल में मध्य में रहे। साथियों वीडियो में आपको महूर्त बता दिया, पूजा की सभी विधि विधान बता दिए, एवं ये वीडियो कम से कम समस्त भक्तों पर फैलना चाहिए, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि धर्म की बातें, ज्ञान की बातें जहाँ जहाँ शेयर की जाती हैं तो ये भी पुण्य का काम है, और ये वीडियो में कोई धन नहीं कमा रहा हूँ, इन वीडियो के माध्यम से मुझे कोई धन नहीं मिल रहा, केवल प्रचार प्रसार होता है, क्योंकि YouTube इतना पागल नहीं है, वीडियो डालो पैसा देगा, क्योंकि उनकी टर्म एंड कंडीशन बहुत है, अपन तो अपनी धर्म की बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए वीडियो बनाते हैं, और आप सभी को जय मैया की, जय माता की, जगदम्बे भवानी, सब पर अपनी दया कृपा बनाए रखें, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे समस्त सनातनियों पर ये पहुँचे, पूजा करने के थोड़े बहुत जो उपाय बताए हैं मैंने, समस्त सभी जनता जनार्दन पर पहुँचे, सभी जनता जनार्दन को, सभी माता बहनों को प्रणाम। कोई सुझाव देना चाहती है तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दें, कोई वीडियो नहीं चाहिए, कोई बात पूछना है वीडियो पर कमेंट करें, आपको उस बात का जवाब दिया जाएगा, 100% आपके कमेंट का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करते हैं, देती है। जय श्री राम।